बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टू ऑल माय सक्सेसर एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मास्टर अजीजुल्ला और हाजिर हुआ हूं एक नई मालूमाती वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो एंटी नारकोटिक्स फोर्स यानी एएनएफ में सब इंस्पेक्टर की जॉब आई हुई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब आई हुई है और ड्राइवर की जॉब है, कांस्टेबल की जॉब है। तो ये चार ट्रेड मैंने मुनासिब समझा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं और आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये एक अच्छा ट्रेड है, अच्छा इदारा है, अच्छे रैंक्स हैं, दुनिया में भी इज्जत होती है और अगर आप ईमानदारी से नौकरी करेंगे तो यकीन जानिए कि दुनिया में आपको जिहाद का सवाब मिलेगा। क्योंकि इंस्पेक्टर की जॉब हो या सब इंस्पेक्टर हो या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, अगर ये लोग ईमानदारी से नौकरी करते हैं तो दुनिया में ही जिहाद कर रहे होते हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स इसमें जॉब आई हुई है, बहुत अच्छे ट्रेड है, बहुत अच्छे रैंक है। आपने मेरे इस वीडियो के साथ साथ रहना है, आपने मेरी इस वीडियो को खुद भी देखना है और उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। यहां पर मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। इसके अलावा स्क्रीन पर मैं आपको साइट को डिस्प्ले करूंगा, वो फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा जो आपने अप्लाई करने के लिए फिल करना है, उसको फिल करने का क्या तरीका है, कैसे फिल किया जाता है, तो आपने खुद भी देखना है, समझना है। और अगर समझ ना आए कहीं से तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जाकर मुझे कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह आपको मुतमिन करने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अब आते हैं एड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर रावलपिंडी असामिया खाली हैं, ये एड शो आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इस पूरे एड पे एक बहुत ही तफसील के साथ वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपको किसी और पोस्ट के लिए कोई आपकी मालूमात चाहिए तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि एंटी नारकोटिक फोर्स में जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई हुई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर किया, कांस्टेबल किया, उसके बारे में आप दोस्तों को मालूम देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप देखें यहाँ पर ये सब इंस्पेक्टर है, 14 स्केल, 28 सीटें, ये देखें आप दोस्तों 28 सीटें हैं, ग्रेजुएट चाहिए 18 से 30 साल। इसी तरह यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है हार्डवेयर का, 14 स्केल है, एक सीट चाहिए BCS हार्डवेयर और मुतलका फील्ड में कम अज़ कम 2 साल का तजर्बा, 18 से 30 साल। यहाँ पे ओपन मेरिट एक है, उन पर आप देखें दोस्तों दो ओपन मेरिट पे हैं, पंजाब के लिए 12 सीटें हैं, सिंध शहरी के लिए 2 सीटें हैं, सिंध दही के लिए 3 सीटें हैं मेरिट पे। और इसी तरह आप जहाँ पर देख सकते हैं ख़वातीन के लिए भी सीट है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए आपके सामने शो हो रही हैं, अकलीत के लिए भी है, बलोचिस्तान के लिए भी है, आज़ाद कश्मीर के लिए भी है, साबका फाटा जिसको हम बोलते हैं तो उसके लिए भी है, ख़वातीन के लिए है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आप और देखें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ASI चाहिए 11 स्केल में, 38 सीटें हैं, इंटरमीडिएट कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन, इसके अलावा आला तलीम रखने वालों को तरजीह दी जाएगी, कादजिए लिखे हुए 5'7", छाती 32 से 34, ख़वातीन के लिए 5'4", उम्र 18 से 30 साल, ओपन मेरिट 3 है, पंजाब के लिए 16 सीटें हैं। ये आपके सामने ये सीटों की सेग्रीगेशन है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर ये कांस्टेबल की है, ये है कांस्टेबल 7वां स्केल है और 233 सीटें हैं, मैट्रिक या मसावी कम अज़ कम सेकेंड डिवीजन, कद जो है 5'7" और औरतों के लिए ख़वातीन के लिए 5'4" है, 18 से 30 साल उम्र चाहिए, ओपन मेरिट 17 है और पंजाब की 99 है। ये सारे इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये इस तरह कांस्टेबल चाहिए, ड्राइवर 7वें स्केल में 50 सीटें हैं, मैट्रिक कम अज़ कम या मसावी और 18 से 30 साल और ये ओपन मेरिट 4 है, पंजाब के लिए 24 है। ये इसी तरह इनकी भी सेग्रीगेशन है। यहाँ पे ये देखें कांस्टेबल ऑपरेटर की है 7वें स्केल में 5 सीटें हैं, इस तरह कांस्टेबल डॉग अटेंडेंट है 7 सीटें हैं। तो ये वो क्राइटेरिया है दोस्तों, आपने अगर अप्लाई करना है तो आप वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ नीचे इंस्ट्रक्शन हैं, ये इनके 5 यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई करना है तो ये इनकी वेबसाइट है www.join.anf.gov.pk। तो
आप इस वेबसाइट पर 15 दिन के अंदर अंदर, यानी आज ये ऐड आया है तो इससे 15 दिन के अंदर अंदर, आज चूँकि 29 नवंबर है तो इस लिहाज से 13 दिसंबर, यानी 13 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख होगी, उससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। और ये इनका 5 सिलेक्शन सेंटर इन्होंने बनाए हैं, इम्तिहानी मरकज, एक लाहौर का है, रावलपिंडी का है, क्वेटा का है, कराची का है और पेशावर का है। ये इनके एड्रेस लिखे हुए हैं और ये इनके टेलीफोन नंबर भी लिखे हुए हैं, आप इनके टेलीफोन नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं अगर आपको कोई क्यूरी हो। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आपको क्यूरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि नीचे फॉर्म दिए हुए हैं, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उम्र की आखिरी जो है शुमार जो है वो कह रहे हैं कि इस ऐड की आखिरी तारीख तक उम्र को शुमार किया जाएगा, जो दरख्वास्तें नामुकम्मल होंगी उन पर कोई गौर नहीं किया जाएगा, 5 साल की रियायत पहले ही वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं, अकलीती कोटों के लिए भी कुछ रियायत हैं, 3 साल की रियायत है, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध का है, बलोचिस्तान का है, 3 साल की उनको रियायत है, मुसल्लफात के रिटायर या रिलीज जो है उनको 15 साल की उम्र, इस तरह जो ऑलरेडी किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो NSC के थ्रू अप्लाई करेंगे। और जहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट जो उनकी है, कोई TDA नहीं दिया जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए, असल तलीमी जो आपकी असनाद हैं, तजर्बाती सर्टिफिकेट हैं, कौमी शनाख्त कार्ड नंबर है, डोमिसाइल वगैरह, और उनकी एक एक नकल करानी है, फ़ोटोकॉपी करानी है, और उनका टेस्ट भी करवाना है, इंटरव्यू के टाइम आप साथ लेकर जाएंगे। और जो पैसे हैं 350 रुपये आपने जमा कराना है ANF वेलफेयर फंड के अकाउंट नंबर, ये इनका अकाउंट नंबर है, नेशनल बैंक की ब्रांच मरी बरोरी रावलपिंडी, ये इनका ब्रांच कोड नंबर है, और वो जो रसीद होगी वो आपने जिस दिन आपका टेस्ट होगा आप साथ लेकर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इनका फॉर्म है, OIC रिक्रूटमेंट सेल का हेडक्वार्टर, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, वेबर लाइन अपोजिट ओल्ड एयरपोर्ट, BBIA चकलाला रावलपिंडी। तो ये इनका फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ANF टू बी फिल्ड इन कैपिटल ओनली, वो कह रहे हैं कि आपने इनको कैपिटल में फिल करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे शनाख्त कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे अबू का नाम, और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये नीचे डेज मंथ मंथ और ईयर जिस तरह ये इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आपने उसको चेक करना है, जहाँ पर रिलीजन इस्लाम, जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका होगा, डोमिसाइल आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम और सिटी नेम वगैरह लिखना है, और आप किस सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपने चॉइस देनी है सेंटर की, इस कॉलम को आपने खाली छोड़ देना है। इस तरह दोस्तों अगर आप ऑलरेडी किसी दौरे में जॉब कर रहे हैं तो आप ये आर्मी नेवी एयरफोर्स जिसमें भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जो रैंक वगैरह है डिस्चार्ज, अगर आप रिटायर हो गए जो कुछ भी है तो आप इस कॉलम फिल करेंगे। और ये इनका क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर मैट्रिक FA BA MA यहाँ पर इन कॉलम में आप लिखेंगे, इसके अलावा एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखेंगे, पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और आपकी जो स्लिप का नंबर होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, डेट यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर। इसके अलावा ये कुछ इंस्ट्रक्शन आप इनको भी चेक लगाएंगे, टिक करेंगे कि मैंने ये सारी पढ़ ली हैं, और यहाँ पर आपने साइन वगैरह कर देने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जल्द अज जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, उनको बताया करें कि जॉब आई हुई है एक अच्छे इदारे में, वो लोग अप्लाई करें, हो सकता है उनका भला हो जाए, हमारी ये छोटी सी जो नई काविश है मेहनत है अल्लाह ताला कबूल कर ले, मुझे और आप दोस्तों को सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। दोस्तों ज़िंदगी रही तो अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर हूँगा, तब तक खुदा पैमान।